So today we'll start trigonometry. Okay, trigonometry ऐसा कोई difficult topic नहीं है, जैसा कि बहुत सारे students को लगता है. This is very easy, very simple. The only thing is इसमें कई सारे results हैं, बहुत सारे results होते हैं, और तुम्हें वो सारे results याद होने चाहिए. This is like you have so many keys and so many locks. ठीक है, तो अगर तुम्हें पता है कौन सी key किस lock की है, तो तुम easily उसको open कर लोगे. Otherwise, there are so many keys, so that will take time, that will become difficult for you, right? समझने से पहले हम थोड़ी सी basics की बात करेंगे. Most of the students को clear होंगी, maybe not. तो जैसे हम system की बात करेंगे, first of all, normally हम जो system follow करते हैं to measure the angles, that is British system, और उसमें जो theta angle है उसको हम मेजर करते हैं किसमें, डिग्री में. ठीक है, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इस टाइप से तुम लिखते हो. ओके, 30 डिग्री, 60 डिग्री, लाइक दैट, 90 डिग्री. ओके, ये डिग्री का साइन है दिस. ओके, दिस डिनोट्स डिग्री. अब इसको हम कभी कभी क्या है कि अच्छा वन थिंग मोर. ओके, ये जो ब्रिटिश सिस्टम है उसमें जनरली डिग्री में तो लिखते हैं, बट कभी कभी हम मिनट में भी लिखते हैं एंगल को. 1 degree इज इक्वल टू 60 मिनट, ये मिनट का साइन. ओके, एंड सेकंड में भी डिनोट करते हैं, 1 minute इज इक्वल टू 60 सेकंड. ये एंगल्स वाले मिनट और सेकंड है, ये तुम्हारे टाइम वाले नहीं है, दीज आर डिफरेंट. ओके, तो ऐसे डिनोट करते हैं मिनट को, ऐसे डिनोट करते हैं सेकेंड को. दूसरा जो सिस्टम है जो कि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करेंगे, ठीक है, हायर क्लासेस में मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है, दैट इज सर्कुलर सिस्टम. सर्कुलर सिस्टम क्या है, अभी क्लियर हो जाएगा. सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम में हम थीटा को डिनोट करते हैं रेडियंस में, रेडियंस. ओके, रेडियंस तुम्हें याद होगा पाई, पाई. ओके, पाई रेडियंस जो है वो इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है, 180 डिग्री के. ओके, तो अगर पाई बाय 2 लिखा है तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. अगर पाई बाय 3 लिखा है तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा. ओके, पाई बाय 6 लिखा है तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा. ओके, using this relation you can convert any angle in degree into radian, radian into degree. Okay, convert kar sakte. Okay, what I mean to say is jaise theta degree likha hua hai tumhe radians mein convert karna hai, theek hai, to kya karoge, theta into pi by 180, ye kya ho gaya, radians mein convert. Okay, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से ये, ठीक है, दिस इज द सिस्टम. तो अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, जो कि ये होता है जनरली टॉपिक का नाम. फर्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, और उसके बाद होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सो एज बाय नेम ये क्या है, रेशियोज हैं, दीज आर द रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ओके, ये वर्ड बना है ट्राइगोन से, ग्रीक वर्ड है ट्राइगोन, उससे बना है ट्रिग्नोमेट्री. तो जैसे कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लेट्स से ए बी सी. ओके, अब ऐसा कोई सोच सकता है कि क्या राइट एंगल ट्राइंगल ही होता है हमेशा, या राइट एंगल ट्राइंगल में ही होता है, बाकी ट्राइंगल्स में भी एप्लीकेबल होता है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले हम डिस्कस करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, फिर धीरे धीरे समझेंगे जब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता है तब क्या होता है, कैसे लिखते हैं, वो बात की बात करें. ओके, पहले हम बेसिक्स की बात करेंगे. सो फॉर दैट, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इसका परपेंडिकुलर है, लेट्स से पी इज द परपेंडिकुलर. ओके, ये इसका बेस है, लेट्स से बी जो है इसका बेस है. ये इसका हाइपोटन्यूज है, लेट्स से एच, एच इज द हाइपोटन्यूज. ओके, और ये बेस एंगल थीटा,
थीटा है, तो हम रेशियोज को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे लिखते हैं? ओके, तो साइन थीटा फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं पी बाय एच को। ओके, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कॉस थीटा? ओके, कॉस थीटा होता है डी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा, ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो पी बाय बी, ये होता है टैन थीटा। ओके, अब इसका रेसिप्रोकल जो होता है उसको बोलते हैं कॉट थीटा। क्या होता है इसका रेसिप्रोकल? मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। इसका जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं सीकेंट, सेक थीटा लिखते हैं, सीकेंट लिखते हैं सेक थीटा। ओके, इसका रेसिप्रोकल मींस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एच बाय बी। और इसका जो रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का उसको बोलते हैं कोसाइन, सॉरी कॉसेक, कॉसेक। ओके, एक्चुअली पूरा इसका नाम है कोसीकेंट, ठीक है, इसका सीकेंट। ये कोटेंजेंट है एक्चुअली पूरा, ठीक है, ये टेंजेंट है, ये कोसाइन है और ये साइन है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट, ठीक है, बट शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं कॉसेक, ठीक है। क्या होता है इसका रेसिप्रोकल? एच बाय बी, एच बाय बी, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ओके, सो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये रेशियोज हैं, साइड्स के रेशियोज हैं, ठीक है, कोई ये है, कोई ये है, ठीक है, कोई ये रेशियो है बी बाय एच है, कोई पी बाय एच है, सो दीज आर ऑल रेशियोज, सो दैट्स वाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, ट्राइंगल के अंदर साइड्स के रेशियोज हैं। ओके, तो ये तो बहुत ही बेसिक बातें हैं, ये तो हमें पता होनी चाहिए और शायद पता भी होगी तुम्हें ऑलरेडी, ठीक है, लोअर क्लासेस में पता होंगी ये सारी बातें, ठीक है। अब इसके आगे की बात करते हैं, राइट, इसकी आइडेंटिटीज की बात करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे एलाइड एंगल्स की। तो अब हम बात करते हैं इसकी आइडेंटिटीज की। तो पहले तो हम बहुत ही बेसिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे जो कि शायद तुम्हें पहले से पता होंगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन। ओके, कैसे वन होता है ये तुम्हें पता है कि साइन थीटा अभी हमने बनाया था राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, परपेंडिकुलर को पी लिखा था, बेस को बी लिखा था, हाइपोटेन्यूज को एच लिखा था। साइन थीटा क्या होता है? पी बाय एच। कॉस थीटा क्या होता है? बी बाय एच, राइट। तो स्क्वायर किया, एलसीएम आ गया एच स्क्वायर, न्यूमरेटर आ गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल में तुम्हें याद होगा तुम्हें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? सी स्क्वायर। सी इज व्हाट? सी इज द हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे ए की जगह पी है, बी की जगह बी ही है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? इक्वल टू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर का मतलब यहाँ पे एच स्क्वायर, सो दिस विल बिकम व्हाट? एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू वन। प्रूव होगी सिंपल आइडेंटिटी। तो ऐसे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा हमने ये एंगल लिया था, सॉरी जितना भूल गए, थीटा ये एंगल लिया था हमने। ओके, ये थीटा लिखना जरूरी इसलिए था कि अगर कोई थीटा ये वाला एंगल लिख देगा, ये तो नहीं लिखेगा कोई, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री, ठीक है, तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। थीटा अगर कोई ये वाला एंगल लिख दे और इसके रेफरेंस में बात करने लगे, इसके रेफरेंस में रेशियोज को लिखने लगे, ठीक है, तो थीटा एंगल जो हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं, जिसके रेफरेंस में बात कर रहे होते हैं, परपेंडिकुलर उसके अपोजिट वाली साइड होती है, ठीक है। इन दिस केस परपेंडिकुलर हम इसको बोलेंगे, ओके, एंड इन दिस केस बेस हम इसकी वाली जो साइड होगी, ठीक है, करिस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल थीटा, इसको बोलेंगे बेस। और हाइपोटेन्यूज में तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द
लॉन्गेस्ट साइड, तो हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा, बट परपेंडिकुलर जो थीटा हमारा एंगल होता है जिसके रेफरेंस में हम बात कर रहे होते हैं उसके ऑपोजिट वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और बेस उसके करस्पॉन्डिंग जो साइड होती है, उसके एडजेसेंट जो साइड होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं बेस। दैट्स वाई इसलिए थीटा लिखना यहाँ पे जरूरी था। तो इसको आगे यूज करेंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। दिस इज वन आइडेंटिटी। सेम वे तुम्हें याद होगा और भी तुमने आइडेंटिटीज लिखी होंगी, ओके, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये भी रहता है आई थिंक लोअर क्लासेस में, ये भी रहता है, और ये सब नोट कर लेना है तुम्हें। और ये वाली आइडेंटिटी भी रहती है लोअर क्लासेस में, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, वन प्लस कॉट स्क्वायर इज कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। सो दीज आर द आइडेंटिटीज, ठीक है। अब इनको यूज करके हम ये भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और हम यहां से क्या लिख सकते थे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कुछ नया नहीं है एक्चुअली, ठीक है, ये यही है दिस फर्स्ट आइडेंटिटी, ओके। और ये सारी आइडेंटिटीज हम प्रूव कर सकते हैं वही cos theta, sin theta, tan theta, sec theta की वैल्यू पुट करके, और वो राइट एंगल ट्राइंगल का रिलेशन यूज करके, a square plus b square is equal to c square, मतलब base square plus perpendicular square is equal to hypotenuse square होता है, उसको यूज करके हम सबको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारी आइडेंटिटी थी अभी जो हमने लिखा था वन प्लस, यहां से हम ये भी लिख सकते हैं sec square theta minus tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ओके, सेम वे ये भी क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। और यहां से हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर को ट्रांसफर किया, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये, ओके। तो ये भी बहुत ही बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो कि मेरे ख्याल से पता होंगी तुम्हें अभी तक, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ ऐसा खास नया नहीं किया है, ठीक है, बट इन सबको क्लियर करना जरूरी है टू अंडरस्टैंड द ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपरली। ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली डिफिकल्ट कुछ नहीं है, कुछ लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, इसमें रिजल्ट्स हमें याद होने चाहिए, देन इट बिकम्स वेरी इजी। तुम्हें रिजल्ट देखते ही एक्चुअली प्रॉब्लम देखते ही रिजल्ट स्ट्राइक करना चाहिए, और रिजल्ट याद है तो प्रॉब्लम देखते ही वो स्ट्राइक भी करेगा, राइट। इट इज लाइक कि यू हैव सो मैनी लॉक्स एंड सो मैनी कीज, तो पता है तो एकदम से तुम ठीक है ओपन कर दोगे, और अगर पता नहीं है तो फिर दैट विल वेस्ट योर टाइम एंड दैट कैन बी डिफिकल्ट फॉर यू, सो थिंग्स आर लाइक दैट ओनली, ठीक है। अभी बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल करते हैं, जैसे साइन थीटा की वैल्यू कुछ दे दी 1/3, ठीक है। अब कोई ऐसा सोच सकता है कि साइन थीटा की वैल्यू तो बस वही होती थी, ठीक है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, ऐसा नहीं है, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू -1, 2, +1 कुछ भी हो सकती है, अभी हम देखेंगे, -1, 2, +1 कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू इज +1, मिनिमम वैल्यू इज -1, ये सारी बातें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, वन बाय वन विल डिस्कस एवरीथिंग। तो प्रॉब्लम ये बात कर रहे थे कि साइन थीटा की वैल्यू ये दे दी, कॉस थीटा तुमसे पूछा है, कॉस थीटा, ठीक है, तो अभी तुमने लिखा था रिलेशन, लिख दोगे, ठीक है, कॉस थीटा पूछा है, ओके, तो कहोगे ठीक है, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, सो वन माइनस साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी, ओके, वन माइनस 1/9, ओके,
कितना हो गया 8/9। ओके तो क्या बताना चाह रहे हैं, ऐसा सोचोगे इसमें, बताना ये चाह रहे हैं कि जब तुम स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8/9, ये आएगा, दो वैल्यू चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव भी आएगी और नेगेटिव भी आएगी, राइट। 8 मीन्स 2√2, स्क्वायर रूट 8 मीन्स 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, ये आगे आ गया, दो वैल्यूज आ गए, ठीक है। अब ये बात अलग है, जनरली स्कूल बुक्स में छोटी क्लासेस में डायरेक्टली बस पॉजिटिव वैल्यू भी लिख देते हैं, नेगेटिव नहीं लिखते हैं, बट ऐसा नहीं है, स्पेशली अगर हम किसी यू नो कॉम्पिटिटिव वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्पिटिशन की बुक से कुछ अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं हम, ठीक है, जेई मेन से एडवांस का, ठीक है, इतनी सिंपल प्रॉब्लम नहीं पूछी जाएगी, बट इस टाइप का बीच में कहीं भी आ सकता है, किसी भी स्टेप पे आ सकता है। सो यू गेटिंग टू वैल्यूज, कौन सी लेनी है ये डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पे, ठीक है, तुम्हें याद होगा शायद कि डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में इनकी वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होती रहती है, तो उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हमें क्या लेना है, प्लस लेना है या माइनस, वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पे, ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो दोनों वैल्यूज हो सकती हैं, हमारा आंसर +2√2/3 भी हो सकता है और -2√2/3 भी हो सकता है, दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। ओके तो अब जल्दी से हम क्वाड्रेंट डिस्कस कर लेते हैं कि किस क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है। तो शायद तुम्हें याद होगा ASTC ऐसे लिखा होता है बुक्स में, ASTC, ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। और याद करने के लिए कुछ बुक्स में ऐसे मेथड गिवन होता है, ऑल स्टूडेंट्स टू क्लासेस या ऑल स्टूडेंट्स टू क्लास टाइप से कुछ लिखा होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट लाइन होती है याद करने के लिए। द थिंग इज ASTC तुम्हें याद होना चाहिए। ए फॉर ऑल मतलब यहाँ पे क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एस मीन्स, एस स्टैंड फॉर साइन, तो साइन, ठीक है, साइन पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा तो कॉसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉसेक थीटा भी हमने देखा था क्या था, इसका रेसिप्रोकल था, ठीक है, कॉसेक थीटा वॉज वॉट 1/sin, ये अभी हम लोगों ने देखा। ओके, टी फॉर टैन, अब टैन पॉजिटिव होगा तो कॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज कॉट थीटा क्या होता है, टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ओके, सी फॉर कॉस, और कॉस पॉजिटिव होगा तो सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट, कॉस मतलब कोसेकेंट एंड सेक मींस सेकेंट, दोनों ही क्या होंगे, सॉरी कॉस मतलब कोसाइन, सॉरी आई थिंक, ठीक है, ठीक, कॉस कॉस ही बोलना है तुम्हें, ठीक है, ज्यादा नहीं बोलना है, बट कॉस इज एक्चुअली द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोसाइन, ठीक है, सेक इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ सीकेंट। ओके, बुक्स में तुम्हें सब लिखा मिल जाएगा, सीकेंट, कॉस मींस कोसाइन, ठीक है, एंड साइन इज साइन, ई, राइट। ओके तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, रेस्ट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव हैं, रेस्ट क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड साइन क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है, नेगेटिव, ठीक है, मतलब इधर साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, राइट, कॉसेक थीटा, वो सब क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, नेगेटिव होगा, टैन कॉट पॉजिटिव हो गया, sec and cosec क्या हो गया, वो भी नेगेटिव होगा, ठीक है, बाकी सब नेगेटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव क्या क्या होना है कहाँ पर, वो सब लिख दिया, राइट, ये बिल्कुल हमें याद होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई तुमसे अगर पूछेगा फॉर एग्जांपल कि बताओ साइन 120 डिग्री पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो 120 डिग्री ये 90 डिग्री की लाइन हो गई, 90 डिग्री 120 किधर हो गया, ठीक है, किधर पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। ओके, तो इसमें हमें डाउट नहीं होना चाहिए, हम क्या कहेंगे, ये तो भाई
पॉजिटिव होगा, वैल्यू क्या होगी वो हम बाद में फाइंड करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, किसी ने तुमसे पूछ लिया कि भाई कॉस 120 डिग्री ये क्या होगा, कॉस 120 डिग्री सेकंड डिग्री में कॉस क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो क्या बोलोगे ये नेगेटिव होगा। ठीक है, अब किसी ने तुमसे पूछ लिया लेट से कि साइन माइनस 120 डिग्री क्या होगा। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए वैसे तो बहुत सारे तरीके हम समझेंगे फाइंड करने के लिए। माइनस का मतलब पहले हो गया एंगल इधर, ठीक है, ये हो गया माइनस 90 डिग्री, राइट, और माइनस 120 मतलब इससे थोड़ा और ज्यादा इधर हो गया एंगल हमारा, एंगल इधर, तो किस क्वाड्रेंट में पहुंचे, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या होता है, टैन cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब किसी ने पूछ लिया कि भाई cos माइनस 120 डिग्री क्या होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगर किसी ने पूछ लिया कि लेट्स से tan 120 डिग्री ये कैसा होना चाहिए, ठीक है, वैल्यू बाद में फाइंड करेंगे, पहले हम पॉजिटिव नेगेटिव समझ रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव क्या होता है, साइन एंड कॉसिव, तो tan क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, किसी ने पूछ लिया कि tan माइनस 120 डिग्री, माइनस 120 डिग्री, राइट, तो माइनस 120 डिग्री हमने देखा था कि इधर इधर आ रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में, ये हो गया माइनस 120 डिग्री एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम क्या होगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्या वैल्यू आएगी वो सब अभी हम लोग फाइंड करेंगे, सारी बातें डिस्कस करेंगे अलग एंगल्स में। क्लियर, राइट, तो ये क्वाड्रेंट्स में वैल्यूज होती हैं, ये सारी बातें हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दीज आर द वेरी बेसिक्स जिनको हमें हर स्टेप में यूज करना है, किसी भी प्रॉब्लम में यूज करना होगा। ओके, तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस एलाइड एंगल्स। ओके, तो अब हम बात करेंगे एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स, एलाइड एंगल्स क्या होते हैं? ओके, जब एंगल्स को हम थीटा के टर्म्स में इस टाइप से लिखते हैं, 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस थीटा, तो इन सब एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एलाइड एंगल्स, एलाइज एक्चुअली, एलाइज ऑफ थीटा। थीटा के एलाइज क्या है ये, ठीक है, 90 डिग्री प्लस या माइनस, 180 डिग्री प्लस या माइनस, ऑल दीज टर्म्स लाइक दिस। ठीक है, यू कैन से 90 के मल्टीपल्स, 90 डिग्री के मल्टीपल्स, 0, 1 कुछ भी हो सकता है, माइनस वन प्लस वन कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे माइनस थीटा के, ठीक है, साइन माइनस थीटा, अगर तुम्हें देखना है साइन माइनस, तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन, ठीक है, या तो इजीली हो जाएगा, थोड़ा सा अगर इसको समझ लो तो और इजी हो जाएगा तुम्हारे। ओके, तो समझने के लिए पहले हमने क्या किया, एक सर्किल बना दिया जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है। ओके, इसकी रेडियस हम कुछ भी ले सकते हैं, इसकी रेडियस आर कुछ भी ले सकते हैं, लेट्स से हमने इसकी रेडियस वन ले ली, यूनिट वन, कुछ भी ले सकते हैं, आर ले सकते हैं, ठीक है, डजंट मैटर। अब हमने इस पे थीटा एंगल के पॉइंट लिया, थीटा एंगल के पॉइंट, पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स लेट से है x, y, राइट, तो ये क्या हो गया, y हो गया, और ये क्या हो गया, x हो गया, x इन दिस ट्रायंगल OPN। ओके, तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी ले रही है, तुमने 1 ले ली है, सिंपली क्या हो गया y, ठीक है, इस ट्रायंगल में cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो क्या हो गया x by r मतलब 1, सिंपली क्या हो गया x,
इसका मतलब है किसी पॉइंट पे अगर कॉस थीटा की वैल्यू देखनी है, थीटा को वैल्यू करते हुए पॉइंट को इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हैं, थीटा बड़ा कर दिया, वो 90 से ज़्यादा कर दिया, थीटा को नेगेटिव कर दिया, इधर आ गए, ठीक है, कहीं भी ले जा सकते हैं पॉइंट को, इधर इधर कहीं भी, ओके। तो अगर कॉस थीटा देखना है तो एक्स देख लो, साइन थीटा देखना है तो क्या देख लो, वाई देख लो, खत्म, दैट्स इट, सिंपल, ओके। अब हम बात कर रहे हैं माइनस थीटा की, साइन माइनस थीटा, तो माइनस थीटा किधर आएगा, माइनस थीटा इधर आ जाएगा, माइनस थीटा ये हो गया, इतना ही नेगेटिव, ये माइनस थीटा एंगल हो गया, ठीक है, माइनस थीटा। इस पॉइंट और इस पॉइंट में क्या डिफरेंस होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा, वाई क्या हो जाएगा, नीचे, नीचे का मतलब क्या हो गया, वाई नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब सिंपली हमने यहाँ पे क्या बोला था, ठीक है, किसी पॉइंट पे अगर साइन थीटा की वैल्यू देखनी है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट देखिए, तो इस पॉइंट पे अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू देखनी है, मतलब साइन माइनस थीटा देखना है, तो हम क्या देखें, इसका वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस वाई, माइनस वाई, राइट, विच इज इक्वल टू वॉट, माइनस ऑफ साइन थीटा इस पॉइंट के लिए, ठीक है, इस पॉइंट के लिए वाई की वैल्यू क्या थी, साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन, ओके। तो ऐसे हम इजीली समझते हैं, क्लियर होना चाहिए एक्चुअली रिलेशन कैसे आता है, तुम्हारे लिए बेटर होगा, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर होगा, ओके। सेम वे हमें कॉस माइनस थीटा लिखना, ठीक है, तो आई थिंक अब तुम्हें क्लियर हो रहा होगा, कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के लिए माइनस थीटा का मतलब हो गया ये पॉइंट, तो इस पॉइंट के लिए क्या देखेंगे हम, एक्स कोऑर्डिनेट, ओके, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स, राइट, तो दिस मींस व्हाट, दिस इज सिंपली इक्वल टू कॉस थीटा, ओके, कॉस थीटा, सो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ओके, ठीक है। अब इनको डिवाइड कर दें तो टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा एक्चुअली होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है, चेक कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा टैन माइनस थीटा, और टैन माइनस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन, एक्चुअली कॉस में नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तो इसका मतलब है सेक में भी नहीं आएगा, बिकॉज सेक थीटा इज व्हाट, वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, बाकी सब जगह क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा, कॉट माइनस थीटा, इसका रेसिप्रोकल है एक्चुअली, तो यहाँ भी रेसिप्रोकल ले लिया, क्या आ गया, माइनस कॉट थीटा, ठीक है। बस ये सेक माइनस थीटा और ये कॉस माइनस थीटा, ये जो है एज इट इज रहेंगे, तो ये सेक माइनस साइन मतलब नहीं आएगा, बस इन दोनों, बाकी सब में क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, ओके। तो आज इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी अलग एंगल्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके रिजल्ट्स, विच आर वेरी